नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। सिंगरौली जिले के पीडब्ल्यूडी ऑफिस को जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया। कार्यपालन मंत्री पर आरोप है कि डेली वेजेस कर्मियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। श्रम न्यायालय सीधी के पारित आदेश के तहत उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया था, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी को भी पार्टी बनाया गया। आदेश 2018 में पारित हुआ था। तब से अब तक पीडब्ल्यूडी सिंगरौली के कार्यपालन मंत्री बीएस मराबी के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय की तहसीलदार के द्वारा सील कर दिया गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन मंत्री मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद वह कैमरे के सामने आए हैं। आपको बता दें कि कार्यपालन मंत्री बीएस मराबी का कार्यकाल भी 3 वर्ष पूरा हो गया है। इनका अभी हाल ही में 2 महीने पहले मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरण कर दिया गया है, किंतु शासन के विरुद्ध जाकर उन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगित आदेश ले लिया। आपको बता दें कि देवसर विधायक को भी कार्यपालन मंत्री के द्वारा पार्टी बनाया गया है। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी ऑफिस सहित तमाम शासकीय कार्यालयों में भी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी राशि जमा होने के बाद ही कार्यालय को मुक्त किया जाएगा। फिलहाल 1,47,00,000 रुपये की राशि बकाया है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये लेबर का 99 से लेकर 2015 का तक का उनका न्यूनतम वेतन की मामला था, तो इसमें उनका जो टोटल वेतन था वो 1,27,00,000 था, जिसमें 2 लेबर का पेमेंट कर दिया गया है। तो आज की स्थिति में 1,15,00,000 बाकी है। ये पूर्व में 2016 का मामला है। इस संबंध में हम नहीं कह सकते कि क्या कहता है विभाग। क्या कर रहा था सर अब तक आपका? अभी तक विभाग में कार्रवाई की चल रही है। स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण भी पेमेंट वहाँ के रह गया है। अब इस संबंध में तो 2016 के से अपन कुछ नहीं कह सकते कि सीला प्रवाही है। ये तो आप ही थे यहाँ पर अभी कुछ दिन? नहीं नहीं, 2019 से आए। तब से अपनी तरफ से कार्रवाई केस 19 में चल रहा था, पर यहाँ से जो कार्रवाई होना थी वो कार्यभ्रष्ट कार्यालय के लिए भेज दी गई है। तो स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण अभी तक जो है पेमेंट नहीं हो पाया। अब अभी 1 हफ्ते के अंदर प्रभावित तो होगा, बाकी 1 हफ्ते के अंदर में स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो पेमेंट हो जाएगी। माननीय श्रम न्यायालय सीधी द्वारा वर्ष 2016 में शासकीय सेवकों के बकाया के विरुद्ध आरआरसी जारी की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली को मांग पत्र भेजा था, और जो 19 बकायादार थे जिनके विरुद्ध आरआरसी फाइल हुई थी, तो उनकी जो कुल राशि 1,47,00,000 रुपए होती है, उसके बकाया के लिए नियत समय दिया गया था, और उस समय सीमा के अंदर विभाग द्वारा बकाया की राशि जमा नहीं कराई गई। इसलिए जो है आज पूर्व करते हुए और भवन पे कार्यालय भवन पे ताला लगाने की कार्रवाई। हमारे राजस्व अभिलेखों में यह भूमि कार्यपालन यंत्री के नाम से दर्ज है, और ये भवन भी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग का है, इसलिए उनकी संपत्ति पर स्थित भवन और कार्यालय पर ताला लगाने की कार्रवाई की गई है। आपका कहना बिल्कुल जायज है, जिसके ऊपर PIU का कार्यालय संचालित है, और वो PIU भी EPWD का ही पार्ट। अब लापरवाही के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आज हमने सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आज सीलिंग की कार्रवाई जो भी हमारे द्वारा की गई है, उसकी जानकारी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे।